हेलो गाइस, यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए आपके पास वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप इसके बिना यूट्यूब पे आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब पे ग्रो करना होता है तो आपके पास, मान लेते हैं कि आपके पास वीडियो क्वालिटी खूब अच्छा है, वीडियो में खूब अच्छा क्वालिटी है, खूब अच्छा कंटेंट है, बट आपके पास अगर ऑडियो क्वालिटी अगर सही नहीं होता है तो आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑडियो क्वालिटी को बेस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे एक बोया माइक, जो मैं यहाँ पे लगा कर रखा हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोया माइक के बारे में और जस्ट हम अभी अनबॉक्सिंग करेंगे बोया माइक को, जो मैंने न्यू अभी परचेस किया है। इसे तो मैंने काफ़ी समय पहले ही परचेस कर लिया था, लेकिन मैं आज आप लोग के बीच इसे हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसको रिव्यू करने वाले हैं। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बोया माइक हमारे वीडियो बनाने के लिए, यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए कितना ज़्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों, आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में और चलते हैं, बोया माइक को हम जस्ट अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। बोया माइक से अगर रिकॉर्ड अगर ना किया जाए, ओनली फॉर अगर मोबाइल से अगर वीडियो को अगर रिकॉर्ड करते हैं, तो किस तरह का आवाज़ आता है? बहुत ज़्यादा, पहला नंबर तो नॉइज़ आएगा, इतना नॉइज़ वॉइस आएगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे, आप किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो अभी जस्ट हम अभी प्रूफ करके दिखाते हैं कि बिना माइक का रिकॉर्डिंग कैसे होता है। उसके बाद जस्ट हम अभी माइक लगा करके अभी कनेक्ट करके अभी दिखाने वाले हैं कि किस तरह से रिकॉर्डिंग होता है और कितना अच्छा माइक लगाने। तो दोस्तों, अभी जस्ट अभी दिखाते हैं। माइक का कोड अभी मैंने निकाल लिया है अपने मोबाइल फोन से, जो कनेक्ट था अभी डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि अभी आवाज कैसा आ रहा है, जो कि अभी कितना मतलब नॉइज वॉइस आ रहा है, मतलब सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि लोगों को, ऑडियंस को होता है, बोलते नॉइज के साथ निकलता है, इससे ऑडियंस सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए हमारा जो ऑडियो क्वालिटी जो होता है वो अच्छे मैटर नहीं कर पाता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसलिए हमारा जो ऑडियो क्वालिटी होता है वो खराब हो जाता है। इसलिए ऑडियो क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले हम माइक को कनेक्ट करके दिखाते हैं। अब हम यहाँ पे माइक को कनेक्ट करके दिखाते हैं कि हमारा आवाज कैसा आता है। जस्ट अभी हमने मोबाइल में माइक कोड को अभी कनेक्ट कर दिया, अभी देखिए हमारा आवाज कैसा आ रहा है, आकाश पाताल का फर्क आ रहा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि बिना माइक का रिकॉर्डिंग किया, बिना माइक का वीडियो कैसे बन सकता है, बिना माइक का ऑडियो क्वालिटी कैसे बेटर हो सकता है। तो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम प्रूव करके दिखाएं और जस्ट अभी हम बोया माइक को भी अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि बोया माइक कौन सा डुप्लीकेट है, कौन सा ओरिजिनल है, फिर ये भी बताऊंगा कि बोया माइक कौन सा बेस्ट है और कौन सा अच्छा नहीं है, पहला नंबर। दूसरा नंबर मैं ये भी बताऊंगा कि बोया माइक कितने रेंज में आपको अच्छे मिल जाएंगे और किस वेबसाइट से आपको लेना है, अमेजोन से लेना है, फ्लिपकार्ट से लेना है, मीशो से लेना है, किस वेबसाइट से लेना है जो आपके लिए बेटर हो, जो आपके लिए सही जगह पे सही समय पे आपको पहुंचा सके। मैं आज के इस वीडियो में सब मैं क्लियर करने वाला हूं। गाइस, ये रहा मेरा, अमेजोन से मैंने मंगाया है और करीब ये 6 से 7 दिन में आ गया था। और लगभग इसका जो प्राइस है, लगभग मैं बता रहा हूँ, मतलब 700 के अप्रोक्स में मतलब था, मतलब 699 के अप्रोक्स में था इसका प्राइस। और अब जस्ट हम इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, जो कि अनबॉक्स तो मैंने कर ही दिया है पहले, इतने समय से मैंने अपने माइक को अपने वीडियो के लिए यूज कर रहा था, लेकिन मैं अच्छा काम करता है। तो रही बात वर्क के लिए, तो बहुत अच्छी वर्क करती है। और रही बात अब इसको अनबॉक्सिंग में कर रहा हूँ, तो मिलेगा बोया, उसके बाद लिखेगा क्लेबर माइक्रोफोन। ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क कैसे पता चलेगा? देखो, जो ओरिजिनल जो होता है, पहले ओरिजिनल का पहले मैं प्रूफ में आपको दिखा देता हूँ कि ये सब आप देख लो, जितना भी क्वालिटी है बिल्कुल रियल रियल रहेगा। दूसरा नंबर कि यहाँ पे जो आपको ये जो डेफिनेशन मिल रहा है, ये आपको मिलेगा, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं मिलेगा डुप्लीकेट माइक में, क्योंकि डुप्लीकेट माइक का फर्क मैंने बता दिया। अब जस्ट इसको हम अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर से, इसके अंदर से अगर निकालने के बाद मिलता क्या है, यहाँ एक हल्का सा कवर जैसा है, इसको निकाल देना है पहले, उसके बाद ऐसे करना है और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। जस्ट इसके अंदर माइक होगा, लेकिन माइक तो अभी है नहीं, माइक से अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जस्ट अभी माइक को भी दिखाऊंगा। इसके अंदर से कुछ ऐसे मिलते हैं, बुक्स मिलते हैं, जो आप रीड करने के बाद आप समझ सक जाएंगे, जान जाएंगे, ठीक है। तो रीड क्या करना है मैं ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी समय से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है किस तरह से यूज करना है, कैसे इसको वर्क में लाना है, ठीक है। तो ये हो गया, एक बुक दिया हुआ है। ये जो मिल रहा है, ये आपको डुप्लीकेट बोया का माइक में नहीं मिलता है। जो बोया का जो टिकट जो इस तरह से मिल रहा है, जो टोकन तरह जो है, ये आपको डुप्लीकेट माइक में नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे पास डुप्लीकेट माइक आया था जब मैंने मीशो से जब मैंने बुक किया था, तो मेरे पास दो दो माइक डुप्लीकेट आए थे, जो कि बिल्कुल वर्क ही नहीं कर रहा था, नॉट वर्किंग कर रहा था, तो मैंने उसे रिफंड कर दिया, ठीक है। तो ये ओरिजिनल का चिनासी है, उसके बाद ये मिलेगा, जो ये शायद उसमें मिलता होगा या नहीं मिलता, इतना गारंटी नहीं है, मालूम नहीं है, कोई कोई में देता है अभी, ये आपको डुप्लीकेट माइक में देखने को नहीं मिलेगा। वारंटी का कार्ड मिलता है, जो इसमें बैटरी होता है, एक छोटा सा सेल होता है, सेल जो कि सेल को कब यूज किया जाता है, जब आप कैमरे में खींचते हैं तो सेल की जरूरत पड़ता है। इसमें एक सेल था जो मैंने पहले से डाल चुका है, क्योंकि जब लगा कर देख रहा था कि भाई देखता हूँ इसको लगा करके यूज में आता है या नहीं आता है, तो लगा के देखा तो वर्क तो कर रहा था, बट सेल फिर निकलता नहीं है। डीएसएलआर का कोड हो गया, जो जब आप डीएसएलआर में जब आप इस माइक को जब आप यूज करेंगे, तो ये मोबाइल में जो मैंने कोड लगाया है, वो कोड पहले, सबसे पहले इसके अंदर एंट्री होगा,
इंस्टॉल होगा, और यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद ये जो है कोड ये आपको कैमरे में डिजिटलर में इंस्टॉल हो जाएगा। इतना सबसे पहले मंगाने के लिए बात किया जाए तो माइक अगर जल्दी से मंगाना है तो आप अमेजोन पे बुक करें, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो 7 डेज के अंदर आप इसे रिफंड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको अमेजोन का सर्विस काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी इनके सर्विस का आनंद ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इस माइक को अभी जस्ट अब हम कवर से भी अनबॉक्स किया था और जस्ट अभी हम इसको माइक को निकालते हैं, तो माइक को निकालने के लिए यहाँ से एक चीज को ओपन करना होगा, उसके बाद एक कवर जस्ट यहाँ से ये होता है माइक। माइक जो है काफी अच्छे प्रोटेक्शन में मिलते हैं, जो यहाँ पे बोया का एक थैली जैसे मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे बैग्स मिलता है जो इसको इस तरीके से आप खोल सकते हैं यहाँ पे, और जस्ट इसके बाद आपको खोलने के बाद यहाँ से ऐसे निकाल देना है। ये रहा आपका बोया का। कह सकता हूँ कि आईडी क्वालिटी आपको आप लोग को अच्छे नहीं मिल रही होगी, लेकिन मैं कुछ ही समय में जस्ट माइक को भी कनेक्ट करने वाला हूँ। ये रही माइक, माइक का जो मेन है मेन सीरीज है, ये मेन सीरीज ये है। अब उसके बाद मैं दिखा दूं आपको यहाँ पे ये जो क्लिप मिलता है, एक क्लिप मिलता है इसको बोलते हैं कॉलर क्लिप। आप कहीं पे भी मतलब कॉलर पे ही नहीं बल्कि किसी भी जगह पे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद अच्छे से आपको जो माइक है मतलब फिटिंग हो जाएगा, हिलेगा नहीं, इससे ये आपको फायदा होता है। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि कनेक्ट कैसे किया जाता है माइक को। माइक को कनेक्ट करना है, ये आपका मेन माइक रहा। अब इसमें क्लिप को ऐसे इंस्टॉल कर देना है, ये आपका क्लिप जो है इंस्टॉल हो गया। और मैं यहाँ पे दिखाऊँ ये आपका कोड होता है, इसको बोलते हैं AUX कोड बोलते हैं, जो माइक मोबाइल में कनेक्ट किया जाता है। और उसके बाद अब यहाँ पे आती है इसको खोलने के बाद बहुत ज्यादा करीब तो 20 फीट या कुछ बोया का मेन जो है इसका क्या बोलते हैं हर्ट बोलते हैं, ये है मेन। और जस्ट इसके बाद बैटरी कहाँ पे लगती है मैं दिखा रहा हूँ आपको, बैटरी यहाँ से लगती है। यहाँ पे इस तरह से जैसे घुमाओगे आप, तो ये ओपन हो जाएगा और इसको और भी ओपन करना। जस्ट इसका प्लग के दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये सेल लगा हुआ है, ये बैटरी लगा हुआ है। यहाँ पे जब भी बैटरी नहीं लगी है तो डिस्चार्ज वर्क नहीं करती है, जैसे बैटरी लग जाती है तो डिस्चार्ज वर्क करती है। इधर का फंक्शन आपने जान लिया, अब देखो मैं बात करता हूँ इसका, फिर से इसको फिट कर देना है। तो ये हमारा जो माइक है कंप्लीट हो गया, रेडी वीडियो बना सकते हैं इससे, ब्लॉगिंग वीडियो बना सकते हैं, मतलब किसी भी कैटेगरी का वीडियो बना सकते हैं इस बोया माइक। ऑडियो क्वालिटी तो आप देख ही रहो कितना शानदार आ रहा है, जो कि मैं अभी रही बात ऑडियो क्वालिटी के लिए, तो इसमें ऑडियो क्वालिटी में कोई इसमें दोष नहीं है। ऑडियो क्वालिटी इसमें इतना अच्छा आता है कि कहना ही नहीं है, इसीलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और इतने दिन के बाद मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने यूज कर रहा था इतना दिनों से, इसका रिजल्ट देख रहा था कि क्या इसका रिजल्ट आता है, क्योंकि दूसरे लोगों ने कहता है कि अच्छा है, लेकिन मैं क्यों ना देखूं, इसलिए मैंने बोया माइक का अपने से खुद पहले लिया और मैंने अनबॉक्स नहीं किया। आज करीब 5 महीने हो रहे हैं, अभी तक मैंने इसको रिव्यू नहीं किया था, क्योंकि मैं इसका रिजल्ट देखना चाह रहा था। और इसका लाइफ टाइम की बात ही मत कीजिए, कब क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन लाइफ काफ़ी इसकी लॉन्ग लाइफ है। रही बात इसकी क्वालिटी के लिए, तो काफ़ी मस्त क्वालिटी है। तो बोया माइक आप से जाओ और खरीदो और फटाफट और अपनी वीडियो बनाओ और यूट्यूब पर ग्रो करो, वीडियो को वायरल कर दो, पॉपुलर हो जाओ, जाओ। एक चीज और इसमें मिलता है आपको, एक मिलता है कॉटन, ब्लैक कॉटन। इससे क्या होता है कि जब भी आप वीडियो को किसी एयर वाले जगह, मतलब ज्यादा वहां पे हवा चल रही है, आवाज आ रहा है, मतलब नॉइज आ रहा है, नॉइज वॉइस आ रहा है, तो आप उस जगह पे आप इस कॉटन को इसमें इंस्टॉल कर, वीडियो में नॉइज वॉइस नहीं आएगा, इतना गारंटी है। आएगा तो समझ लेना कि ज्यादा आवाज कर रहा है, इतना कि मतलब अत्यधिक आवाज कर रहा है तो इसमें आवाज आएगा। अगर नॉर्मली अगर आवाज करता है, अगर एयर या नॉइज वॉइस या गाड़ी का आवाज करता है तो नहीं आएगा, इतना तो गारंटी है। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर वॉच करेगा, हद से ज्यादा अगर वॉच करेगा, इसमें नॉइज वॉइस भी आता है, आएगा, इतना गारंटी है, मान लो इतनी बात। जैसे कि आपने देखा कि माइक के बिना वीडियो में ऑडियो क्वालिटी एकदम अधूरा रह जाता है। वीडियो बनाना है जब भी, तो ऑडियो क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए, वीडियो क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए। वीडियो क्वालिटी को बेस्ट करने के लिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या जरूरत होती है। जैसे कि मैंने इस वीडियो में बता ही दिया कि ऑडियो क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी होना चाहिए माइक। माइक कोई भी हो, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बोया का BY-M1 माइक ही हो, माइक बस होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। आईडी क्वालिटी जितना ही अच्छा होगा, आपका जो ऑडियंस होंगे काफ़ी एंगेज होंगे, काफ़ी आपको वीडियो को देखेंगे, काफ़ी आपका वीडियो वायरल होगा, पॉपुलर होगा और यूट्यूब भी इससे ज़्यादा प्रमोट करेगी। आईडी क्वालिटी अच्छा होना चाहिए ना। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आज की इस वीडियो में मैंने बोया माइक को अनबॉक्सिंग करके दिखाया। तो दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को जो आपने देखा, अगर हमारे वीडियो आपको देखने में अच्छा लगा, पसंद आया, तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब। मिस्टर बी क्रिएटर के नाम से हमारे फेसबुक पेज है, जाकर के आप फेसबुक पेज पे जाकर के आप फॉलो कर सकते हो, आप हमारे फैमिली परिवार बन सकते हो। तो जाओ जल्दी से और यूट्यूब चैनल को सबको सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पेज पर जाकर के सबको फॉलो कर लेना।